स्वागत है और देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। और हाँ दोस्तों, ज़रूर कमेंट या लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है, ज़रूर इसे लोगों तक पहुँचाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र यहाँ पे मिस्टर राशिद खान, देखिए मैं वन बाय वन करके बहुत सारे लोगों के स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं कि सर हमें इस स्टॉक के बारे में बताइए, इस कंपनी के बारे में बताइए। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अधिकतम वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं, बट मेरा ये भी लक्ष्य नहीं रहता कि मैं एक दिन में 10 वीडियोस बनाऊं या 15 वीडियोस बनाऊं या जितने आपने सारे कहे बना दूं, क्योंकि मुझे समय लगता है एक वीडियोस में उस कंपनी के बारे में जानने में, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं। भारत में बहुत सारी हज़ारों कंपनियां हैं और सेंसेक्स में भी कम से कम 4-5 हज़ार कंपनियाँ लिस्टेड हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे सारी कंपनियों के बारे में पता हो। तो उस हिसाब से मुझे पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है उनके काम के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनके वेबसाइट पर जाके सारा कुछ देखना पड़ता है, और ज़रूरत पड़ती है तो मैं ऑफिस में फ़ोन करके भी पूछता हूँ। तो यहाँ पे देखिए राशिद खान साहब ने पूछा, सर नीला इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक वीडियो बनाए, 8 रुपये का CMP है, करंट मार्केट प्राइस है 8 का और डिविडेंड भी देता है। तो देखिए छोटी प्राइस का है, तो चलिए मैं इनका जो कौतूहल है, जो ये जानना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आज मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। और मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे सकता हूँ, बाकी लेना ना लेना है आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक रिटर्न दिखा सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में कैसे इसने रिटर्न दिए हैं और कंपनी क्या क्या कर रही है, कितने काम उसके चल रहे हैं, और मोटा मोटा थोड़ा सा और बताने का प्रयास करूँगा। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक्टिवली पार्टेकिंस इन अर्बन डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ EPC टेकिंस प्रोजेक्ट्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम फ्लोटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटीज़। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के जो हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम है वो भी ये कंस्ट्रक्शन घर बनाते हैं सरकार के लिए और स्कीम्स के तहत। इट्स इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज बस शेल्टर, जो बस स्टॉप पे शेल्टर्स होते हैं, ऑफ अहमदाबाद प्रेस्टिजियस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस, अ टेक्सटाइल पार्क इन सूरत एंड मीडिया यूटिलिटीज इन राजकोट हैज बीन नथिंग लेस देन फिनोमिनल। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज पुट इट्स एक्सटेंसिव लैंड बैंक टू यूज बाई कमिंग अप विद रेजिडेंशियल रियल एस्टेट स्कीम्स दैट रेंज फ्रॉम अफोर्डेबल फ्लैट्स टू प्रीमियम अपार्टमेंट्स। इनके पास लैंड बैंक भी है, जो फ्यूचर में कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स बनाएंगे जो अफोर्डेबल हों। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होल्ड्स प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टी इन अहमदाबाद, मतलब इनके अहमदाबाद में भी कमर्शियल प्राइम प्रॉपर्टी है विच इज़ लीज्ड इन रिप्यूटेड कॉर्पोरेटर्स, जिन्होंने लीज पे दे रखी है कई कॉर्पोरेटर्स को, कई बड़े कॉर्पोरेटर्स को। तो चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ प्रोजेक्ट्स हम देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या कंपनी कर रही है, क्या कर चुकी है। तो अवर फुटप्रिंट्स अहमदाबाद, ये अहमदाबाद का फुटप्रिंट्स है। एनीवेज कोई बात नहीं, हम देखते हैं प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चलिए हम प्रोजेक्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए ये इन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना अहमदाबाद ये बनाया है इन्होंने, और फेज़ 2 अहमदाबाद रिसेंटली कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अदानी प्रथम अहमदाबाद, ये इनके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। और ये शेल्टर जो बस पे बनाते हैं, और बस शेल्टर्स फ्रॉम MTS RJD टेक्सटाइल पार्क, और ये एप्पलवुड टाउनशिप वीनस, तो ज़बरदस्त। और नो डाउट प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे इनके पास हैं। देखिए ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे केंट कॉम्प्लेक्स ऑफ केंट रेजिडेंशियल पार्क गुजरात में है, और यहाँ पे GSRTC बस टर्मिनल एट अमरेली एंड मदोसा और इंटीग्रेटेड, तो बहुत सारे चलिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी इनके पास ज़बरदस्त हैं जो जिन पे काम चल रहा है। तो नो डाउट इनके पास ऑर्डर्स हैं, काम चल रहा है। और कंप्लीटेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी देखिए काफ़ी इन्होंने काम किया हुआ, तो ये भी यहाँ पे उपलब्ध है, पूरी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है कहाँ कहाँ कौन कौन सी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हुई है। अब चलते हैं हम इसके फंडामेंटल तरफ। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और 16 अप्रैल 2019 को, आज 17 है, आज मार्केट बंद है, तो 16 अप्रैल 2019 को जो BSE पे लास्ट क्लोजिंग प्राइस था इसका 7.85 रुपये, और 52 वीक लो बनाया था इसने 5.80 रुपये का, और हाई था 22 रुपये का साल का। ये हम चार्ट पे देख लेते हैं कि देखिए लो इसने यहाँ पे 2.80 रुपये का था 15 अप्रैल 2014 को, आज से 5 साल पहले, फिर धीरे धीरे काफ़ी अच्छी ग्रोथ ऊपर चढ़ता गया
नो डाउट ये पैटर्न काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और फिर धीरे धीरे फिर गिरावट जो इस पर पिछले एक साल से आई है, तो ऐसा भी नहीं कि सीधे ढप से गिरा हो, इसने थोड़ा रुकावट के साथ ठहराव करते करते फिर, लेकिन काफ़ी इसने डाउनसाइड एक साल में दिखाई है। मार्केट कैप है 309 करोड़ की, हम लोग स्टैंड लोन का देख रहे हैं और अर्निंग पर शेयर है 0.52 मतलब 52 पैसे। पी है इसका 15.10 और इंडस्ट्री पी 26 की है, तो ऑब्वियसली काफ़ी इंडस्ट्री पी के मुकाबले में काफ़ी कम है इसकी पी प्राइस टू अर्निंग, और डिविडेंड पे करता है ये अच्छी चीज़ है, फेस वैल्यू एक की है, डिलीवरेबल है 51%, प्राइस टू बुक है 2.86। और यहाँ पे हम बैलेंस शीट पे आते हैं, तो पहले हम कर्ज़ा देखते हैं, डेट टोटल डेट है 67 का, तो मेरे ख्याल से कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए कर्ज़ा तो होना लाजमी है सॉरी क्योंकि और बहुत ज़्यादा लोगों पे कर्ज़ा होता है, अगर आप बड़ी बड़ी रियल इस्टेट, अच्छा रियल इस्टेट कंपनियों का बूम जो हम लोगों ने उस ज़माने में देखा 2007 2005 2009 2010, फिर वो अब सब धराशायी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप बहुत सारे गुड़गांव में सुनते हैं DLF हो गए, चाहे बड़ी बड़ी GMR इंफ्रा हो गए, चाहे JP एसोसिएट देख लें, आज उनकी हालत बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा उन पर आ गया, और काफ़ी कुछ कंपनियों में नाम तो नहीं लेना चाहूँगा जो बहुत फ्रॉड भी उन्होंने किया, फ्लैट धारकों के साथ बुकिंग करके धोखाधड़ी भी हुई, तो काफ़ी रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनियों का नाम ख़राब है। तो कोई भी स्टॉक लेने से पहले उसके स्कैम के बारे में भी आप गूगल भी कर सकते हैं, जो भी कंपनी हो तो उनका आ जाता है डिटेल्स अगर रहता है तो, अभी इस कंपनी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं मुझे पता चला। और तो कर्ज़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, और नेट सेल्स में देखिए जहाँ मार्च 18 में 48 करोड़ की थी, जून 18 में 50 हो गई, फिर सितंबर 18 के क्वार्टर में 48 करोड़ और दिसंबर 18 में भी 53 करोड़, तो बढ़ा था। निसंदेह नेट प्रॉफिट पे अगर हम चलते हैं तो मार्च 18 को 5 करोड़ के आसपास थी 87 लाख, और जून 18 में 4 करोड़, और सितंबर 18 में 4 करोड़ 72 लाख, और दिसंबर 18 में अगेन इसने नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे अपसाइड है 5 करोड़ 24 लाख के। तो और ये देखिए यहाँ पे एवरेज क्वालिटी कंपनी है, मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल्स ग्रोथ है 17.22% की, जो कि एक अच्छा साइन है। EBIT ग्रोथ है 11.43% का। वैल्यूएशन देखिए फेयर वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहा है, पी हम देख ही चुके, ROC इसका 15.62 और ROE इसका 18.42% का, जो कि बहुत ख़राब नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की कंपनी के हिसाब से अभी जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता। और अभी फेयर है और फेयर वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो 9 रुपये तक ये फेयर है एज़ पर टेक्निकल चार्ट प्राइस टू अर्निंग, और फाइनेंशियल ट्रेड फ्लैट है, स्कोर है 4। और देखिए जहाँ रिटर्न्स की बात है तो 10 सालों में 657% का हम एक अच्छा रिटर्न कह सकते हैं। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां तो आपका पैसा खा भी गई अगर 10 साल पहले लगाया तो इसमें एटलीस्ट अभी आपको जो है काफ़ी अच्छा मुनाफा है, और 5 सालों में देखिए 190% का रिटर्न है, अगर हम एक साल में 30% का भी काउंट करते हैं तो भी उस हिसाब से ठीक लग रहा है, क्योंकि सेंसेक्स ने देखिए 76% दिया है और 4 सालों में से 11% के नेगेटिव रिटर्न, 3 सालों में 37% के नेगेटिव, 2 सालों में 52% के नेगेटिव, 1 साल में 61% के नेगेटिव, ईयर टिल डेट में 1.25% के नेगेटिव, लेकिन 6 मंथ में थोड़ी सी 2.3% की अपसाइड है, 3 मंथ्स में 7% के नेगेटिव, 1 मंथ में 13% के नेगेटिव, 1 वीक में 1 point something की अपसाइड है, और 1 डे में भी नेगेटिव है 2% की। तो पिछले 4 सालों से ये बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसे आपसे इनके रिजल्ट्स पे आए होंगे या इनके कुछ ऑर्डर्स या फिर सेंसेक्स पे भी पिछले एक साल से जिस प्रकार से है, तो रिटर्न्स उनके पिछले 4 सालों के बहुत ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल से और 5 साल के एक संतुष्ट हैं, तो बहुत 4 सालों से वाकई इसने नहीं दिया है तो सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते, और जहाँ दिसंबर 17 से दिसंबर 18 में यहाँ पे देखिए नेट सेल्स में चेंजेस माइनर है 0.04% के, और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1.59%, तो ये अच्छा साइन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी या 9.58% की अपसाइड है। एनुअल रिजल्ट्स हम देख लेते हैं, तो यहाँ एनुअल रिजल्ट्स में देखिए नेट सेल्स में भी यहाँ पे मार्च 17 से मार्च 18 के जहाँ 3.91% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 29.33% की अपसाइड है, और प्रॉफिट मार्जिन में भी
3.48% की अपसाइड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रमोटर्स के पास 61.9% की है, एक अच्छी होल्डिंग है और गिरवी शेयर नहीं है, अच्छी चीज़ है। और म्यूचुअल फंड्स की एक हिस्से में पैसे लगा रखे हैं और FIIs इसमें 4 हैं और इंडिविजुअल्स 20.91% के। तो देखिए, कुछ लोगों का इसमें भरोसा है क्योंकि कंपनी अभी फिलहाल रिटर्न 4 सालों से बहुत अच्छा तो नहीं दे रही है, लेकिन हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग है और शेयर गिरवी नहीं है, एक कंस्ट्रक्शन एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होते हुए तो थोड़ा सा इसमें हमें विश्वास बनता है, लेकिन 4 सालों से पिछले रिटर्न नहीं है, ये थोड़ा सा एक झटके वाली बात है। रियल इस्टेट से रिलेटेड कंपनी है, 1990 से काम कर रही, प्राइवेट हाउस है और 11 पैसे पर शेयर का ये इसने डिविडेंड लास्ट टाइम 18 में दिया था, 19 में भी उम्मीद करते हैं कुछ भी दे। और अपनी इंडस्ट्री में 40वें नंबर पर है माइक्रो कैप कंपनी। तो नीला इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने अभी तक देखा कि एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, भले ही चाहे थोड़ा सा डिविडेंड पे करती जिस हिसाब से उसकी औकात है, लाभांश शेयर करती है तो अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टर कंपनी में अभी कोई ज़बरदस्त बूम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से इसके पास ऑर्डर है, इसकी वेबसाइट पे जो उपलब्ध है इसने दिखाया है कि गवर्नमेंट के भी हाउसिंग डेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट भी प्रोजेक्ट्स इसके पास काफ़ी हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी इसके पास हैं, तो राजस्थान में भी चल रहे हैं, गुजरात में भी चल रहे हैं। तो छोटी प्राइस का है, 7.88 रुपये इसका जो करंट भाव चल रहा है। तो इसमें दोस्त आपने अगर पूछा है मुझसे कि इसमें मैं क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी में, रियल एस्टेट की कंपनी में थोड़ा सा मेरा शुरू से रुझान कम रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने सूझबूझ के हिसाब से या आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा कर लें या वो क्या कहते हैं कि अगर कुछ इसमें से लिया जा सकता है, जिसमें आप भविष्य देख रहे हैं कि 19 के बाद जिस हिसाब से देश की ग्रोथ होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पे काम चलना है, तो हो सकता है कि ये सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करे क्योंकि अभी सेक्टर ही बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो थोड़े शेयर्स आप चाहें तो ले सकते हैं और गिरावट मिलता है तो बेहतर है, बट बहुत ज़्यादा लेने की इसमें भर लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये अच्छा करने लगे इस पर नज़र बनाए रखिए, सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि इसमें आप वॉच बनाए रखिए और बाकी रिस्क एंड रिवॉर्ड का चक्कर होता है, तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है। बाकी आपकी अपनी सूझबूझ ये सब होना चाहिए, आपको अपना लेना है तो इसमें देख लीजिए। मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने डेटा बताया कैसे क्या फंडामेंटल्स थे, मैंने सब बता दिए। तो दोस्त, इसमें मेरी राय है, मैं तो अभी इसमें फ़िलहाल इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आपकी जैसी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।